अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैंने कल डिस्कस किया था कि कैसे रिएक्शंस को पहचानेंगे कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लोफिलिक है। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को लेकर। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस उस कंपाउंड्स में मिलेंगे जहाँ जो डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सेम एटम्स के बीच में, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द सेम एटम्स विल सेम ईएन एटम्स विल शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस इज डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। ओके, सो कमिंग टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्किन एंड अल्काइंस, फर्स्ट वी विल सी द जनरल मैकेनिज्म। दिस इज दैट इज अल्किन एंड अल्काइन। फर्स्ट स्टेप, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड एंड देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एंड देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो। प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्किन एंड अल्काइन। नेक्स्ट कमिंग टू द जनरल मैकेनिज्म फॉर ऑल अल्किन एंड अल्काइंस, दिस इज द रिएजेंट अल्किन। ओके, इलेक्ट्रोफाइल विल फर्स्टली अटैक, इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इस डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। ठीक है, तो या तो ये जो डबल बॉन्ड है ऐसे करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करे इलेक्ट्रोफाइल को मिले। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा जिससे कि कार्बोकैटायन बन गया, क्योंकि ये इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल के पास चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इससे कनेक्ट हो गया तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बोकैटायन बना, फिर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा। ये मैकेनिज्म समझने के लिए आप पिछला वीडियो देखिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा आपको। या ऐसा हो सकता था इलेक्ट्रोफाइल आए और इस कार्बन से अटैच हो तो ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होकर इस इलेक्ट्रोफाइल को मिलता है इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन से अटैच हो जाता तो पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन दिस कार्बन। ओके, एंड देन न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एंड प्रोडक्ट विल फॉर्म। इट मीन्स देयर विल बी द टू चांसेस, टू प्लेस फॉर द अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, फर्स्ट ऑन दिस कार्बन एंड सेकेंड ऑन दिस कार्बन, एंड द इंटरमीडिएट फॉर्म इज आवर कार्बोकैटायन इन बोथ द मैनर। एक चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है वो आपका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मीन्स RDS है। ठीक है, अब देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो इंटरमीडिएट जिस तरीके में ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेथड प्रेफरेबल होगा। अब देखिए यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो रहा है, जबकि यहाँ जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यानी कि ये कार्बोकैटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यानी कि ये जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों बनेंगे लेकिन ये मेजर बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो एम्स में ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ये कंपाउंड दिया रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल दिया रहेगा और लिखा रहेगा बोथ 1 एंड 2, तो बोथ एंड 1 एंड 2, बट मेजर विल बी दिस एंड माइनर विल बी दिस। किसके बेसिस पर हो रहा है, इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी के बेसिस पर हो रहा है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है आपका, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी चेक करना है और उसके बाद कमेंट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा और या माइनर होगा। और ये कैसे बना कार्बोकैटायन वो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब आइए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन क्या है, यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसीलिए जो किसी भी अल्किन और अल्काइन का रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, ये कितना रिएक्टिव होगा वो डिपेंड करेगा कि ये इंटरमीडिएट कितना स्टेबल बन रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा रिएक्टिविटी ऑफ अल्किन एंड अल्काइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, यदि बनने वाला इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है तो ये जो अल्किन है वो ज़्यादा तुरंत बनना चाहेगा ये। ठीक है, तो इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा और इंटरमीडिएट क्या बन रहा है आपका, कार्बोकैटायन। अब देखिए, एक अल्किन लिया मैंने, एक अल्काइन लिया। ठीक है, मैं बस मेजर प्रोडक्ट की बातें कर रहा हूँ यहाँ पर। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, इसमें भी ये ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब देखिए यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो सैचुरेटेड कार्बन पर है, जबकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनसैचुरेटेड कार्बन पर है, और अनसैचुरेटेड कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बन अनस्टेबल है। ठीक है, वो कार्बन पॉजिटिव चार्ज तो कैरी कर रहा है लेकिन विथ अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, समझ में आ रहा बात, यानी कि इस दिस कार्बन इज इन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इट इज अनसेचुरेटेड कार्बन, वेयर एज दिस कार्बन इज हैप्पी बिकॉज दिस इज सेचुरेटेड कार्बन एंड इट कैन कैरी पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रहा है, अनसेचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हमेशा अनस्टेबल होता है जबकि सेचुरेटेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, तो इन दोनों में जो इंटरमीडिएट बना हुआ स्टेबल कौन सा होगा, ये, यानी कि अल्किन्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस फॉर
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से मेरा कंक्लूजन क्या आया कि जो अल्कीन है, अल्कीन आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन कंपेरिजन विथ अल्काइंस। व्हाई? बिकॉज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल इन द केस ऑफ अल्कीन इन कंपेरिजन टू अल्काइन। व्हाई? बिकॉज द कार्बोकेटायन फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सैचुरेटेड कार्बन इन द केस ऑफ अल्कीन्स, वेर एज इन द केस ऑफ अल्काइंस द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द अनसैचुरेटेड कार्बन विच इज मोर अनस्टेबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ का इसेंस क्या मिला आपको कि पहला याद रखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको उन कंपाउंड्स में मिलते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो बिटवीन सेम एन एटम। पहला पॉइंट, अल्कीन एंड अल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इट्स इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। थर्ड पॉइंट, सो द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस डिपेंड टोटली ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, ऑन दैट बेसिस अल्कीन्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस वेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट विल फॉर्म, मेजर एंड माइनर। ओके, और इसके मैकेनिज्म को देखने के लिए आप पुराना वीडियो देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम कैसे कंपेरिजन करेंगे, कौन सा अल्कीन मोर रिएक्टिव होगा, कौन सा अल्कीन लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन विच इज द इंटरमीडिएट फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। अब देखते हैं एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है कि रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट अल्कीन्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बिकॉज अल्कीन्स में जो कार्बोकेटायन बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो पहले हम अल्कीन को छाट ले, तो फर्स्ट इज़ द मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एंड थर्ड में क्या होगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा। ठीक है, बनाइए कार्बोकेटायन एक बार आप, CH3 ये डबल बोन CH इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा, CD3 सी पॉजिटिव डबल बोन CH और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा। अब देखिए जो CD3 है और CH3 में रेजोनेंस तो नहीं है सर से कोई, तो हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन का, और हाइपर कंजुगेशन CH3 का ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, और हाइपर कंजुगेशन यदि ज़्यादा अच्छा है तो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कि सेकेंड वाला कार्बोकेटायन मेरा ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू थर्ड। ठीक है, तो इसका ये ऑर्डर होगा। फिर देखते हैं हम, इसमें भी पूछा गया है क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए आप, तो वो कैसे होगा। देखिए फिर से वही, आपको क्या करना है, कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा रहा है आपसे, तो आप बस ध्यान देना है कि उसके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना है, इंटरमीडिएट देखना है। इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकेटायन, तो आप डबल बॉन्ड हटाइए, कार्बोकेटायन बनाइए। ठीक है, और उससे स्टेबिलिटी कंपेरिजन कीजिए। हम डबल बॉन्ड हटाएंगे यहाँ से, तो का यहाँ भी आ सकता है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी आ सकता है, मैंने डिस्कस किया पिछले वीडियो में, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी आ सकता है, दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा ड्यू टू, यहाँ यदि पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, जबकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज बने या यहाँ बने, यहाँ बने या यहाँ बने, रेजोनेंस तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बनाकर मैं दिखा रहा हूँ आपको, यदि यहाँ बने या यहाँ बने, दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा, इसमें भी रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं भी बने बात बराबर है, यहाँ बने या यहाँ बने। ठीक है, तो रेजोनेंस किस में है, सिर्फ पहले वाले में, यानी कि फर्स्ट कार्बोकेटायन विल बी मोर स्टेबल देन अदर टू, सो द रिएक्टिविटी ऑफ दिस फर्स्ट अल्कीन विल बी मोर देन द रिमेनिंग टू। ठीक है, अब इन दोनों में कंपेरिजन कीजिए, तो देखिए इसमें यदि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है तो यहाँ दो चार हाइड्रोजन, चार अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जबकि यदि यहाँ बनता है तो दो दो चार, यहाँ भी चार अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ ओ ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट होगा, और माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, और यहाँ पॉजिटिव पास में है जबकि यहाँ पॉजिटिव दूर में है, और मैंने पहले ही बोला हूँ माइनस माइनस के लिए अच्छा होता है, प्लस प्लस के लिए अच्छा होता है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट लग रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, और चार्ज बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगा, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी होता है। ठीक है, और यदि माइनस आई है तो और इलेक्ट्रॉन खींचेगा जिससे कि पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा तो अनस्टेबिलिटी और बढ़ेगा, जबकि यहाँ डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्या है, कम है, यहाँ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है,
जबकि अल्फा हाइड्रोजन तो सेम ही है, तो हम आई इफेक्ट कंपेरिजन के यहाँ माइनस आई कम है, यानी कि दिस कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है, दिस कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। सो ये तो बनेगा ही नहीं इस केस में, ये वाला बनेगा। अब इसको हटाएं, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, देखिए यहाँ भी दो दो चार अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, इसमें तो दोनों सेम ही है, इसको हटा देते हैं चार अल्फा हाइड्रोजन, जबकि इसमें कोई माइनस आई नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या है प्लस आई, सी एस थ्री के द्वारा लगाया जा रहा है, यहाँ भी प्लस आई था लेकिन यहाँ माइनस आई भी है, यहाँ सिर्फ प्लस आई है, ठीक है, यानी कि और प्लस प्लस के लिए अच्छा होता, प्लस आई विल स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, यानी कि जो रिएक्टिविटी हो रहा होगा फर्स्ट थर्ड एंड देन सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा बात। उस तरह यहाँ देखना हमको, यहाँ भी कार्बोकैटायन बनाइए आप, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है, ये देखिए आप, यदि यहाँ आ रहा पॉजिटिव चार्ज तो ये रेजोनेंस करेगा डबल बॉन्ड के साथ, इसमें कोई रेजोनेंस का स्कोप नहीं है, ठीक है, इसमें यहाँ बनेगा और इसमें देख लीजिए आप एक बार, इसमें यहाँ बनाइए या यहाँ बनाइए, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, दोनों जगह हो सकता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए रेजोनेंस इसमें, यानी कि फर्स्ट कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल, यानी कि इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में पहले हम एच इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ तीन हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, यहाँ तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन क्या है सेम है, यानी कि हाइपर कंजुगेशन से रिजल्ट मेरा सेम आ रहा है। फिर क्या देखना, ये माइनस आई ग्रुप लगा रहा है बेंजीन जो है, ये भी माइनस आई लगाएगा, इससे दूरी ज़्यादा है जबकि इससे दूरी कम है, तो सेम एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यानी कि ये थर्ड मोर स्टेबल होगा टू के, ठीक है। आपको माइनस आई या प्लस आई में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहाँ से एकदम आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो देखें आई इफेक्ट का, और नीचे आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं जो नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में।